जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान के बकरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलो कुछ तो बोलो। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। संकट पर आगे बढ़ो आत्मा के सहारे। जिंदगी का सुमन रमजान गांधी सरपंच सिंधीपुरा माशाल्लाह दिन के काम के। सलाम वालेकुम सरपंच साहब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम। ये सिंधीपुरा के सरपंच साहब है माशाल्लाह दिन साहब के गांव के। सही है। इनका इस्तकबाल किया था ये माशाल्लाह बरकत गुड फार्म पे। क्या बात है। तालियां तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब आप आए माशाल्लाह। सिंधी नगर के सरपंच साहब का आइए ना अजीज भाई। ये अजीज भाई
ये बिल्कुल यंग माशाल्लाह यंग टैलेंट क्या बात है। ये बरकत भाई की यहाँ के सरपंच साहब हैं माशाल्लाह क्या बात है तालियां वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब बाबू खान साहब रहमान साहब आइए ना आइए रहमान भाई आइए रहमान भाई साथ में रहेंगे ठेकेदार ये रहमान साहब पहनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो हमारे रहमान भाई फ्रॉम मुंबई ARM गोट फार्म माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया भाई आइए शाहफजल भाई ये हमारे भाऊ साहब पवन सिंह चौपाल क्या बात है माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो बरकत भाई की तरफ से क्या बात है। आइए इमरान भाई इमरान भाई पसीना सिंह माशाल्लाह आइए हुसैन खान साहब माशाल्लाह हुसैन खान साहब इमरान भाई इस्तकबाल कीजिए जी माशाल्लाह क्या बात है हाथ लगे महेंद्र सिंह चौपावत आओ लियाकत भाई महेंद्र साहब मुबारक हो आपको शुक्रिया 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 आप आए यहाँ पर क्या बात हाजी साहब आइए हाजी साहब बरकत भाई आपके नाम है आलम भाई पहना आलम भाई क्या बात है हाजी साहब आए पाली से हमारे माशाल्लाह गुलाबी गोट फार्म क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आप आए नहीं भाई आइए नहीं भाई भाई को पठान साहब पहनाएंगे आइए पठान साहब आइए नैयर साहब आ चुके माशाल्लाह A1 गोट फार्म मुबारक मुबारक माशाल्लाह चलेगा माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप आए भाई शुक्रिया आपका भी थैंक यू भाई अकबर भाई आओ आइए अकबर भाई अरे अकबर भाई आओ बिलाल भाई आ गए बिलाल भाई आइए हमारे बिलाल भाई आए माशाल्लाह बिलाल भाई को वो आप ये लो वालेकुम अस्सलाम अकबर भाई माशाल्लाह अकबर भाई रहमान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए इज्जत देख सकते हैं भाई की क्या बात है अल्लाह का शुक्र है मुंबई की शान ARM गोट फार्म क्या बात है माशाल्लाह मेरा भाई आर के भाई फसल गया आर के भाई कहाँ गए आर के भाई फुल मिस कर रहा हूँ आर के भाई शकील भाई को सही है द किंग ऑफ बिग गोट्स माशाल्लाह क्लैप कम ऑन एवरीवन सोजत के गुजरी किंग सोजत के गुजरी किंग मेहरुद्दीन भाई माशाल्लाह द बिगेस्ट गोट्स ऑफ इंडिया माशाल्लाह तुम जयपुर के पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया माशाल्लाह आपने क्या बात है ऐसी मेहनत है मेहरुद्दीन भाई की माशाल्लाह आए ना माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई आपका भी सो दोस्तों माशाल्लाह द किंग ऑफ देवनार हमारे अब्दुल रहीम चाचा निजाम भाई के डायलॉग में अदरीम चाचा माशाल्लाह खाना इन्होंने बनाया बेहतरीन एक नंबर खाना बनाया माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अदरीम चाचा। सो दोस्तों नौमान भाई माशाल्लाह इधर इधर नौमान भाई
श्रवण जी माशाल्लाह बहुत बहुत सही है। अस्सलाम वालेकुम शाहबुद्दीन साहब जी साहब आइए। सर यहाँ पर थोड़ा जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आलम भाई दे दो जी। तो जब तक आ रहे रहमान भाई अपने आरके भाई भी फैसल भाई रहमान भाई आप कुछ बोलना भी चाहेंगे महफिल भी है यहाँ पर लोग सुनना चाहते हैं आपसे। उनको सुनना मुझे बहुत पसंद है मेरे भाई को सुनना बहुत पसंद है। नहीं बोलना तो मतलब छोटा मुंह बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ और अल्लाह को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस जगह पे लेके आए। मैं खुद राजस्थान सीकर से हूँ बट मैं कभी राजस्थान आना हुआ नहीं लेकिन आज माशाल्लाह हमारे भाई लोग को मैं उनके साथ में खड़ा हूँ इन्होंने इतनी इज्जत दी ये बहुत बड़ी बात है। और मैं लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई आने वाले वक्त में ये लोग जितने आज है इनसे 100 गुना ज़्यादा जमा हो और बकरेबाजी और बकरे पालन का जो शौक है उसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाए कि इंशाल्लाह आने वाली जितनी पीढ़ी है जितने यंगस्टर्स हैं जितने भी जवान हैं जिनके बच्चे जैसे कि फारूक भाई का लड़का अपना जो बरकत भाई का फारूक जो अभी फ्लाइंग में आया है इसने ये अपनी नियत किया है कि फार्म के लिए अल्लाह इनको कामयाब करे इनके फार्म को और इनको इसी इस मुकाम पे लेके जाए कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आके बकरे खरीदने के लिए पिपाड़ में और जोधपुर में और सूरत में आए माशाल्लाह। आमीन बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत गोल्डन वर्ड्स थे लोगों के लिए और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी अलग लेवल पे ही है बहुत माशाल्लाह। वो सालन और रोटी तो फटे खाया हूँ क्या बात है दबा के खाया बहुत अच्छा खाना बनाया आप माशाल्लाह। आपको मैं बहुत फॉलो करता था देवनार में फिर आना नहीं हुआ कभी मिलने के लिए बट माशाल्लाह माशाल्लाह खाना हाथ चाटते रह गए माशाल्लाह। आर के भाई ये हमारे कोटा के माशाल्लाह बेहतरीन खाना बनाए बहुत बेहतरीन खाना बनाए अगर आर के भाई भाई ये तो माशाल्लाह चीफ गेस्ट है कम ऑन क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है क्या क्या बात है माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह आपकी रोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आप आए यहाँ पर जस्ट वी लैंड दिस विद आपके दो वर्ड्स के साथ में रहमान भाई ने बहुत अच्छा बताए बरकत भाई के लिए देन वी विल हैव सम कमेंट्स जी। तो आपके भी कुछ कमेंट्स हम सुनना चाहेंगे यहाँ की मेहमान नवाजी बकरेबाजी हर चीज के बारे में। देखो मेरे पूरे वर्ड्स ऑलमोस्ट है ना रहमान भाई ने कम्प्लीट किए रहे जी। तो वो एक्चुअली स्क्रिप्टेड है हम लोग एक दूसरे कल ही रात में लिख के बैठे थे लिख रहे थे तो उन्होंने बता दिए वो सारी चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह। असीम भाई मेहमान नवाजी का 2017 में भी मैं ये मेहमान नवाजी चक चुका हूँ यहाँ की माशाल्लाह लोगों में इतनी मोहब्बत है कि आज रात में मेरा इतना शॉर्ट वर्ड्स में बोलूंगा कि आज रात शाम में मेरी ट्रेन थी जी मैंने अभी टिकट कैंसिल कर दी है जी भाई निजाम भाई ये जमजम गोट फार्म निजाम भाई फ्रॉम जमजम गोट फार्म माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया निजाम भाई आप आए यहाँ पर। शौकत साहब टिकट कैंसिल हो गई है हम लोग शौकत साहब आए शौकत साहब लोहार माशाल्लाह शौकत भाई आए क्या बात है माशाल्लाह। तो ये मेरे भाई है इनका फोर्स था हमारे बरकत भाई का थोड़ा बहुत ये था और अताउल्ला भाई और हमारे नदीम भाई है चौका साहब और ये जितने भी लोग हैं इन्होंने नैयर भाई तो हमारी जान है दिल में वैसे ही है आइए नैयर भाई आइए सब में पहले ये हमारे सीनियर है नैयर भाई अजीम भाई तुम भी सामने आए सब में पहले तो इन्होंने फोर्स किया पहली बात तो ये तो इनकी बात हम लोग तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को तो इन्होंने हमारे को बोला कि भाई रुकना है मेरे जगह पे आना है तो इंशाल्लाह वो टाइम पे थोड़ा
मेरा दिल और ये हुआ अताउल्ला भाई, नदीम भाई और पूरी टीम जमजम गोट फार्म की बोले आपको जाने ही नहीं देंगे। एंड ऑल थैंक्स टू वहीद भाई, जिन्होंने सबसे बड़ा थैंक्स तो आसिम शेख को देना पड़ूंगा मैं कि इन्होंने ये गेट टुगेदर और ये लोगों को जुड़ने के लिए आसिम भाई और बरकत भाई ने बहुत बड़ी बात है। बरकत भाई आसिम भाई ने इतने लोगों को जोड़ा और हम लोग को उतनी इज्जत से नवाजा, आज हम लोग को पूरे रोड पे ट्रैक्टर के अंदर बिठा के पूरे गाँव में माशाल्लाह जय किसान जय भारत जय किसान बरकत भाई की जय जवान ये बोलने लगा। और मैं ये बोलना चाहूंगा लोगों को, मैं आपके भाई की तरफ से ये बोलना चाहूंगा कि देखो दुनिया में इज्जत ना कमाई जाती है वो पैसे से नहीं और दिल से, और माशाल्लाह दिल से इज्जत मिली है और हम लोग को अल्लाह ने गैप से दिया ये इज्जत। ये इज्जत कमाने के लिए लोगों को ना कई अरसों लग गए लेकिन नहीं मिली, आज हम लोग को अल्लाह ने कम वक्त में इतनी इज्जत दिया तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा और आप लोग का प्लीज शुक्रिया अदा करूंगा। प्लीज प्लीज थैंक्स अलॉट आप लोग के लिए क्लैपिंग राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान के जो गोट फार्मर जय राजस्थान। शकील भाई को बिना लेके शकील भाई कम ऑन, मैं वही बोला इनकी टोपी कब उतरे चलो शकील भाई के लिए क्लैप सब। इज्जत अल्लाह ताला भाई को लेकर शकील भाई शकील भाई शेपर्ड का हौसला और आसिम भाई का जोधपुर में घोसला दोनों साथ में। दिए दिए भाई दिए, बोलो भाई बोलो बोलो बहुत बेहतरीन बोलो बोला। आप प्लीज आइए एक बार, बहुत बहुत शुक्रिया। शेफर्ड की हौसले के लिए आप बोले ना भाई, आप बहुत अच्छा बोलते बोले। नहीं नहीं बोलना क्या चाहूंगा, शेपर्ड के हौसले में जो आसिम भाई ने जो एक सीरीज चालू की थी और सीरियसली बोलता हूँ शेपर्ड एक्चुअल शेपर्ड जो आसपास में खड़े हैं, घर घर में जो बकरों का शौक हो रहा है, घर घर में बकरियों का शौक हो रहा है माशाल्लाह, और हमारे उस्मान गोट फार्म भाई कल्याण से माशाल्लाह। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ जितने लोग जुड़े हैं बरकत भाई के लिए प्लीज दुआ करो, उनके हक में हाथ उठा के बोलो कि अल्लाह उनको जो शुरुआत की है अल्लाह उनको कामयाबी दे और उनके फार्म को बरकत दे और उनके फार्म को उस मुकाम पे लेके जाए और उनके बेटे फारूक भाई को उस मुकाम पे लेके जाए जो वो सोचते थे, है ना। और दुश्मनों से प्लीज बचाए और दोस्तों को गरीब करे भाई। देखिए खुदा हाफिज़, सुबह वापिस थोड़ा स्पाइसी एक्चुअली ये सब गोट फार्मर्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेहनत है इनकी इतने ड्राई धूप में हमारे पसीने निकल रहे तो ये लोग वो टाइम पे पूरे पहाड़ पे या जिधर भी चराते हैं एक बॉटल पानी के साथ में, जैसे हमने सुबह एक चाचा को देखे वीडियो बनाई, तो इनको सल्यूट होना चाहिए। रियल गोट फार्मर ये लोग हैं, हम लोग सिर्फ हाई एंड पे है। अगर इनकी मेहनत ना हो, राजस्थान की बात करना चाहूंगा मैं कि राजस्थान में अगर लोग बकरे पालना छोड़ देना तो पूरी दुनिया में लोग का जीना छूट जाएगा, बिकॉज बकरे के बिना ना कुर्बानी है ना बकरे के बिना किसी के घर में गोश्त। अल्लाह ताला ने नवाजा है यहाँ पर बकरों से, तो मैं राजस्थान के लिए हाथ उठाऊंगा, जितने भी लोग राजस्थान के लिए भाई और जय हो राजस्थान माशाल्लाह। राजस्थान ने हकीकत बोलता हूँ, इंडिया नहीं इंडिया के मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आज राजस्थान के बकरे जाते हैं। सो राजस्थानियों को लोग जानते हैं उनके बकरों से, सीरियसली बोलता हूँ। राजस्थान वो किले से नहीं जाना जाता, कोई मकबरे से नहीं जाना जाता, राजस्थान उनके बकरों से जाना जाता है जो दुबई अटलांटा यूके यूएस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके बकरे सोजत हो सिरोही और गुजरी फैले हुए। तो मैं सारे राजस्थानी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा और मैं खुश हूँ कि मैं एक राजस्थानी हूँ। हमारे कोंकणी भाई भी है लेकिन नहीं, मतलब बकरे का खून में, हर राजस्थानी खून में बकरा है। देखो सब जगह अपने जगह पे मुकर्रर है, बेशक बेशक कुछ टूरिस्ट उनके लिए उस्मान भाई, हम बकरे वाले, हमको बकरा उस्मान बकरे वाले से जाना जाता है। उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान गोट फार्म के ओनर, सोलापुर दो उस्मान गोट फार्म सोलापुर माशाल्लाह माशाल्लाह। किधर बोले ये बहुत छोटा फार्मर है, यंगेज गोट फार्मर है, यंगेज गोट फार्मर है। अल्लाह ताला इसको भी अच्छे से नवाजे और तमाम जितने बच्चे हैं यहाँ के, तो बच्चों के खून में बकरा पालना, लेकिन हमारे यहाँ पर भी भाई हमारे भाई का बोलना चाहूंगा भाई माशाल्लाह, तो मैं मेरी पगड़ी इसको देता हूँ माशाल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह।
नहीं आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग अभी तुम आर के भाई को बिना एक दूसरे को टोपी पे डालो थोड़ा स्पाइसी था स्पाइसी था रहमान भाई की इसमें से मसाला नहीं है तुम्हें नहीं थोड़ी सुई छुपा दी वीडियो खत्म करेंगे फिर इंशाल्लाह और शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे आपकी जुबानी ये वीडियो खत्म चलो बस दुआ में याद रखना अपना ख्याल रखना गरीबों की मदद करना भूलना नहीं अपने अम्मी अब्बा का फरमा बरदार बनो ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया टेक केयर अल्लाह हाफिज़ जय हिंद।